तक जितने भी कंपनी में गए सब बोल रहे आ जाओ, जितने भी कंपनी में गया रिजेक्शन फेस ही नहीं किया, लोग बोलते हैं सब बोल रहे हैं हम लोगों को ले लेगा ले लेगा, लेकिन हम लोगों का वैल्यू नहीं दे रहा। आज पहली बार लाइफ का हमारा जॉब फेयर हो रहा है जो कि हमारे काम का है, मतलब हम पहली बार आज लोग इंटरव्यू में बैठेंगे, हम जो भी पास आउट होने वाले हैं, अभी तक पास आउट नहीं हुए, तो हमारे कॉलेज से बोला गया है कि आज आने के लिए इंटरव्यू में बैठने के लिए देखने के लिए, मैं इस वाले इंटरव्यू में शायद हम लोगों को जॉब नहीं भी मिल सकता है, लेकिन देखने के लिए कि इंटरव्यू कैसा होता है उसके लिए आज आने के लिए बोला गया है। तो हम लोग आराम से जाएंगे, 10 बजे वैसे टाइम था लेकिन 9:30 में मैं यहीं पर टाइम पास कर रहा हूँ, 11:30 बजे जाएंगे, लेकिन उससे पहले CV निकालना है, मेरा खुद का CV मेरा निकाला हुआ नहीं, कैफे में चलता हूँ, मैं नीचे आ ही चुका हूँ, कैफे में चलते हैं CV निकालते हैं। चल चुका हूँ गाइस घर से मैं जाने के लिए कॉलेज, आज तो कॉलेज जाना जाता मैं बता रहा था, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 11:10, हम लोगों को कॉलेज पहुँचना था 10 बजे। रौनित तो कब से इंतज़ार कर रहा है मुझे आज वो बोलने वाला, क्योंकि मुझे कम से कम आधा घंटे पहले उसने फ़ोन किया था, तब तो मैं रेडी नहीं हुआ था ना, तो चलता हूँ चलो जल्दी अंडल मोड, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। वो तब भी मैंने ये देखो बियर्ड इतने बड़े हो गए, मैंने काटा नहीं, मैंने बोला था कि ये बाल के साथ पूरा बड़ा होगा उसके बाद काटेंगे ना, इसलिए नहीं काटा है मैंने। तो पहले जल्दी अंडल मोड पहुँचता हूँ, रौनित वहाँ पर इंतज़ार कर रहा हो, जल्दी पहुँचता हूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। और ये मैंने वैसे ही पहन रखा है, उतना ज़्यादा धूप है और उतना ज़्यादा ठंड नहीं है, हवा मस्त चल रहा है, काफ़ी सही है। देखो ये बाइक में जा रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने विंडचीटर पहन रखा है, गर्म लगेगा तो खोल देंगे, बैग में बहुत जगह। फाइनली गाइस अंडाल मोड में रौनित यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था काफ़ी टाइम से वो भी, और आज 10 बजे जाना था, 11:30 तो यही पे बज रहा है, आज सबसे ज़्यादा लेट किया सबसे ज़्यादा, और आज इंटरव्यू भी है, पहला तो ऐसा लुक है उसके बाद इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें इतना लेट। चलो जल्दी चलो। अरे बाबरे तू और ये बोले ID कार्ड, मेरा ID कार्ड कहाँ पर है क्या पता, बैग में शायद होगा, अगर मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो और भी अच्छा है। चलो पहुँचते हैं, पहले सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिनके पास, मेरे पास जिनका CV है वो सब उनके कॉलेज में बैठे हुए मेरे इंतजार, मैं जाऊंगा वो CV जमा करेंगे। हमारा कॉलेज है कि बाइक स्टैंड है पता नहीं चल रहा, देखो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स आए हुए हैं बाहर से भी, स्टूडेंट्स कॉलेज के बाहर से भी, ITI डिप्लोमा सारे आए हुए हैं, आज पूरा बहुत बड़ा सा जॉब फेयर हो रहा है, और हमारा वो सामने उधर अटेंडेंस हो गया, बिना अटेंडेंस के हम लोग इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते, ऐसा कुछ नियम है, और गाड़ी भी काफ़ी सारे, तो अभी कहाँ पे बैठना है कौन सा इंटरव्यू देना है कुछ पता नहीं, सर से पहले मिलेंगे एक बार, चल रहे हैं आगे। रौनित भैया CV है हमारे पास जो चाहिए, हमें अभी सर से मिलेंगे, तारा सर से, नमो सर से, कि उनसे पूछेंगे कि कहाँ पे क्या करना है, उसके बाद करेंगे, बाकी सर स्टूडेंट से मिलते हैं पहले, हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी सारे आए होंगे, बहुत सारे बाहर के भी स्टूडेंट्स हैं, सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर मतलब सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स आ गए। का इंटरव्यू हो गया गाइस, वो सिनोवा करके कुछ कंपनी है गुजरात में, और उसमें कुछ पूछा ही नहीं, इसको पूछा था कुछ कॉर्ड पूछा था, कॉर्ड CNC में किस टाइप के कॉर्ड होते हैं, M कॉर्ड और G कॉर्ड, उसको कॉर्ड बोल रहे हैं, उनका थोड़ा सा हिंदी अलग टाइप का है ना, तो इसीलिए इंटरव्यू देना हो गया गाइस, और इंटरव्यू देते देते 2 भी बज गया, और मुझे खाना भी मतलब भूख भी लग गया है, रौनित अंदर है मेरे पास, तो एज ऑलवेज मेरे पास टिफिन है, अंदर चलेंगे वहीं पे बैठ के खाएंगे रौनित के साथ, और मेन है कि टाटा में एक इंटरव्यू दिया है, एक सिनोवा करके कंपनी में, एक क्या याद नहीं है कर्नाटक में एक है, ऐसे करके बहुत सारा हो गया, तो अभी भी 2 CV मेरे पास है रौनित के पास भी, तो CV ख़त्म करके जाएंगे, तो उसके लिए पहले खाना खाएंगे, चलो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर से देंगे, उसके बाद देखेंगे। गाइस 2:45 के आसपास टाइम है, और अभी तक जितने भी कंपनी में गए सब बोल रहे आ जाओ, जितने भी कंपनी में गया रिजेक्शन फेस ही नहीं किया, लोग बोलते हैं सब बोल रहे हैं हम लोगों को ले लेगा ले लेगा, लेकिन हम लोगों का वैल्यू नहीं दे रहा। और मेन बात यह है कि लोग बोलते हैं कि बिना फेलियर के आप सक्सेस नहीं मिल सकता आपको, तो फेलियर कोई दिखाई नहीं रहा है, रिजेक्शन कोई कर ही नहीं रहा, सब बोल रहे हैं कि आजा काम करते हैं, ऐसे ही सब बोल रहे हैं। अभी लास्ट एक बचा हुआ है किसॉक करके एक कंपनी है जो कि हावड़ा के साइड में, तो वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, ये लास्ट, क्योंकि हमारे पास लास्ट जो एक CV बचा हुआ है वो यहाँ पे जमा करेंगे, उसके बाद CV नहीं लाएंगे, मतलब है CV तो CV निकाल सकते हैं लेकिन निकालेंगे नहीं, और 5 निकाला था, 4 कंपनी का हो गया, एक्चुअली 5 हो गया, एक कंपनी में CV लगा नहीं, और ये एक लास्ट बाकी है जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में चलेंगे। काफ़ी मस्त सही सब वेदर है, और लोग अभी भी स्टूडेंट्स अभी भी दे रहे हैं, इंटरव्यू ही इंटरव्यू चल रहा है पूरा, हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे फिर निकल जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैथ करने के लिए बोल रहे हैं शायद, सुना हमने, देखते हैं अंदर चल के पता चलेगा, पहले तो पानी पीते हैं यहाँ से। इतना भी था इंटरव्यू, इंटरव्यू से वैसे कुछ हुआ नहीं, नॉर्मली
अभी निकलना है, घर जाना है, बाइक यहीं पे है, निकालने के लिए इधर जगह नहीं, इधर से घुमाना पड़ेगा। मेन बात है जो मेन कंपनी में देने के लिए आए थे ना, किस वक्त सर बोल रहे थे, तो वो वाला कंपनी उठ गया, मतलब चला गया हम लोगों को आते आते, हम लोग खाना खाने चले गए तब चला गया, तो वो हुआ नहीं। वही बाकी सारे कंपनी में तो मैंने जैसे बोला कि गए अंदर, और वो लोगों ने बोल दिया कि आ जाओ जब कॉलेज ख़त्म होगा, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हुआ। इंटरव्यू वैसे कहीं पे भी नहीं लिए। रोनित को तो वैसे एक जगह पे पूछा था, पर एनसीसी के स्टूडेंट्स आज गार्ड दे रहे हैं सर, हम लोग निकलते हैं, 3 बज रहा है, जल्दी घर पहुँचना है ना, चलो निकलते हैं। घर तक पहुँच चुका हूँ गाइस, और टाइम भी मेरे ख्याल से 3:30 के ऊपर तो होगा ही, घर पहुँच जाएंगे 4 बजे से पहले, और धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। मैंने जैकेट जो लेके गया था मैं, वो बैग के अंदर है अभी, और खाना वाना तो हो चुका है, नहा के निकला हूँ क्योंकि कॉलेज गया था आज ना, तो आज कुछ काम नहीं है, अभी सीधा से घर जाना है फिलहाल। और सूरज उधर है, बाज़ार पूरा खाली है, देखो जल्दी जल्दी घर पहुँचता हूँ। घर पहुँच के फिर अभी तो फ़िलहाल के लिए कुछ काम है नहीं घर में, और कल तो वो हमारा लैपटॉप भी सही हो गया था, तो घर ही पहुँचते हैं फिलहाल। घर पहुँच चुका हूँ गाइस, और टाइम हो रहा है 4:02, मैं जो बोल रहा था कि 4 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा, मैं घर आके थोड़ा सा फ्रेश भी हो गया हूँ, अभी थोड़ी देर यहाँ पर बैठता हूँ, यहाँ पर थोड़ी देर बैठता हूँ। ये जो ऑरेंज लेके आया था नारंगी, बेबी को पता है इसका हिंदी मतलब, असल में मुझे पता नहीं था, मैंने उससे सुना है, मुझे तो ऑरेंज हिंदी में पता नहीं था, बंगाली में पता था कमला लेबू कहता है, और इंग्लिश पता था। बेबी ने एक दिन बताया कि इसको नारंगी कहते हैं, उससे उसके बाद से मुझे पता चला। ये देखो उधर देखो कितना ज़्यादा सोजने फूल हुआ है, नीचे से नहीं दिख रहा था, ऊपर से दिख रहा है मस्त। मैं अभी यहीं पर बैठता हूँ थोड़ी देर, और ये खाता हूँ, फिर देखेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ, ठीक है ना, फिर चलेंगे नीचे। धूप तो थोड़ा बहुत है अभी भी, यहाँ से भी दिख रहा है, काफ़ी सही वेदर है। हो चुका है गाइस नीचे चलने का, कैफे में चलते हैं, 6:30 के आसपास टाइम है, और आजकल ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मैं टी शर्ट पहन के घूम रहा हूँ, मुझे ठंड नहीं लग रहा क्योंकि ठंड चला गया, सचमुच चला गया। अभी रात के टाइम पे मतलब फ़ैन चलाने का भी वेदर आया नहीं है, उतना भी गर्मी नहीं आया, लेकिन ठंड भी नहीं लगता अभी, ब्लैंकेट लेके सोने का भी ठंड नहीं। तो मैं नीचे चलता हूँ कैफे में, और फिलहाल आज के लिए ब्लॉग को कर देते हैं। नए वीडियो पसंद आए वो तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग।